नमस्ते बहन और भाइयों, फिर एक बार हाजिर हैं हेल्थ और वेल्थ के इन दो सितारों के साथ, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी और स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ट्रेनर और मेंटर अवधूत सांठे। बहन और भाइयों, इन दोनों का काम बहुत सच्चा है, बहुत ही अच्छा है, और अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और इन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। Each one is performing his duty towards humanity, elevating them to lead a happier life, joyful life, health-wise and wealth-wise. इसीलिए तो बहन और भाइयों, इन लोगों की कामयाबी देखकर मैं भी ऊपर वाले से यही कहने लगा, नहीं मांगता है खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हों की, पर इन दोनों की तरह कमाल की दे। क्या बात है ऋषिकेश जी, आपके शेरो शायरी हमेशा छा जाती है पूरे पब्लिक के ऊपर। थैंक यू। कैसे आप छाए हुए हैं पूरी दुनिया में हेल्थ और वेल्थ को लेकर। यस अब्दुल, क्या हमारे वॉइस ऑफ आस्था है और ऐसे ही धमाल करते हैं। थोड़े बीच में ऑनलाइन की वजह से थोड़े ये हो गए, लेकिन उनको अभी एक बहुत बढ़िया मौका मिला है ऋषि जी को अपना हुनर दिखाने का। एंड ऋषि जी, यू आर जस्ट रॉकिंग, लेट मी टेल यू, यू आर रॉकिंग। यस सर एंड सर, आप दोनों यू आर रॉकिंग फॉर दिस प्लैनेट अर्थ, और इतने लोगों को आपकी जरूरत है। और मेरी ये बात याद रखिएगा डॉक्टर साहब कि आप लाख लाख की बात कर रहे हैं, हमारी सांस छोड़ते छोड़ते हम करोड़ क्रॉस करेंगे, और बहुत अच्छा सा हम काम करेंगे इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। तो ऐसा ही हो, यही हो और कुछ ना हो, ऐसा ही हो, आमीन। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, वैलेंटाइन स्पेशल शो कर रहे हैं आज 14 फरवरी के दिन, प्यार का मौसम है, प्यार का खुमार छाया हुआ है हर तरफ, आप बताएं कि डायबिटीज रिवर्सल का प्यार से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है? सोच विचार में डालने वाला प्रश्न है सभी के लिए सही में, और रिसर्च के एंगल से देखने लायक प्रश्न है कि जो लोगों के दिल में ज्यादा प्यार है और लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, क्या उनमें डायबिटीज थोड़ा कम है या ज्यादा है, और प्यार का ताल्लुक रिवर्सल से उसको एक्सेलरेट करने के हिसाब से कुछ है या नहीं है। तो मैं बड़े आदर के साथ पेश करना चाहूंगा जबरदस्त रिसर्च बाय डॉक्टर मिलिंद वाटवे जी, और उनकी किताब है डव्स डिप्लोमैट्स एंड डायबिटीज। इस किताब का कॉस्ट आप देखेंगे इंटरनेट पे तो दंग हो जाएंगे, इसका कॉस्ट ही इतना जबरदस्त है। स्प्रिंगर का पब्लिकेशन है और बहुत क्लियरली बताता है कई आयाम जिसकी वजह से अभी डायबिटीज बढ़ क्यों रहा है। मतलब 50 साल में, 60 साल में जो बदलाव आया है ह्यूमन बिहेवियर में, कनेक्शन में, नेचर के साथ कनेक्शन हो, सूरज के साथ, धरती के साथ, पेड़ों के साथ, आसपास के जानवरों के साथ और कीड़ों के साथ भी, उनसे जो काटना होता हो उनके साथ खरोचे मिलती हो, और प्रियजनों के साथ फिजिकल टच से लगा के आंखों में आंखें डालना वैलेंटाइन के आपके, और रोमांस, और ये सब का बहुत ही क्लियर विश्लेषण है रिसर्च के एंगल से। जितना कनेक्शन आपका खुद के साथ, नेचर के साथ, प्रियजनों के साथ इमोशनली फिजिकली बढ़ेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन और सीरोटोनिन डोपामिन का बैलेंस रहेगा आपके सिस्टम में, और इसकी वजह से आपके 70 सिग्नल केमिकल्स बोलते हैं, उसमें से कई सिग्नल केमिकल्स अच्छी मात्रा में रहने की वजह से आपका इंसुलिन का अवरोध कम होकर आप डायबिटीज रिवर्स करेंगे। तो जिस जिसको डायबिटीज रिवर्स करना है उन्होंने खूब खोल के प्यार करना है, डरना नहीं है, डर के प्यार नहीं करना है, खूब खोल के प्यार करना है, खुद खोल के प्यार का इजहार करना है और महसूस करना है वो सब पॉजिटिव केमिकल्स जो हमारे अंदर इस डे के लिए नहीं है बट पूरे साल के लिए है, कि हम वो जनरेट करें और हम अच्छे केमिकल्स बनाएं अपने अंदर और इंसुलिन अवरोध का प्रॉब्लम कम करें। सबसे बड़ा उसमें है ऑक्सीटोसिन जो टच से निर्माण होता है। सो डायबिटीज का और प्यार का सीधा संबंध है। लवली डॉक्टर साहब, क्या प्यार का चमत्कार आपने बताया। या दूसरा, वेलकम टू यू बहनर भाई। डॉक्टर साहब ने देखिए प्यार का चमत्कार तो बताया, पर कितना ज्ञान अर्जित किया है वो भी बता दिया है इतने सालों में। एक बात इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा,
कोई धन से बड़ा होता है तो कोई पद से बड़ा होता है और कोई आयु से बड़ा होता है, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान से बड़ा होता है। आपके ज्ञान को नमन है डॉक्टर साहब। अवधूत सर, थैंक यू सो मच। अवधूत सर, यस यस, प्यार मैं जानता हूं, आपके साथ सैकड़ों सेमिनार में रह चुका हूं, तो आप कितने प्यार में विश्वास रखते हैं और आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रेम को कितनी महत्वता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, पर आप कहें आज प्यार और स्टॉक मार्केट। मैं मानता हूं पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेट लव एंड टू बी लव्ड, दैट इज द होल पर्पस ऑफ लाइफ। प्यार कमाओ, प्यार करोगे तो प्यार भी मिलेगा। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें डॉक्टर जी, लोग प्यार करते हैं और प्यार करते हैं अपने स्टॉक से, एक स्टॉक्स ले लेते हैं और एक बहुत बड़ी एक आदत होती है लोगों की, स्पेशली डे ट्रेडर्स, वो किसी स्टॉक को लेते हैं ये सोचते कि चलो आज शाम को मार्केट बंद होने से पहले निकल जाए, लेकिन वो स्टॉक बाय करने के बाद थोड़ा गिर जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है बहुत सालों के लिए। तो इसके लिए बहुत बढ़िया गाना है, छोटी सी मुलाकात तो प्यार बन गई, छोटी सी मुलाकात तो प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई, या या पी पी या या या। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इन्होंने देखे हैं जो लोग इंटरेक्ट करते, बाद में पता चलता है कि उन्होंने एक छोटी सी मुलाकात थी, एक डे ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किया, कुछ निवेश किया, किसी ने टिप दिया इसलिए लपाया किया, किसी ने कहा अरे यस बैंक ले लो देखो ऊपर जाएगा, या कोई आरकॉम है या कोई भी स्टॉक ऐसा हो, तो लेकिन लेने के बाद उसके प्यार के चक्कर में पड़ गए और वैसे ही रह गए। सो यू शुड नेवर डू दिस। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, लेकिन किससे करो? पहली सबसे पहले प्यार करो, अपने आप से प्यार करो यार। हम तो स्टूडेंट को बोलते पहले ऐसे करो, ऑनलाइन वालों, हाँ ऑनलाइन यहाँ पे सब लोग पहले देखते देखते ऐसे करो। सो इससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव केमिकल्स निकल आएंगे, बिल्कुल अपने आप से प्यार करेंगे, बिल्कुल हाँ अपने आप से प्यार करने लगोगे तो लोगों से भी प्यार करना सीख जाओगे। लोग एक बात कहना चाहूंगा, आई विल कम टू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड उसमें क्या जरूरी है, रोडमैप की भी बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि हमें कुछ रोडमैप देना है, लेकिन हेल्थ इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी कंडीशन। हेल्थ है तो सब कुछ है, लेकिन इट्स नॉट अ सफिशियंट कंडीशन, मतलब हेल्थ एंड वेल्थ इज अ सफिशियंट कंडीशन। लेकिन तीन चीजों के बारे में आज कहना चाहूंगा। आपके पास अगर कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर मतलब क्या, पीपल आर यू आर रिस्पेक्टेबल, यू हैव लॉट ऑफ कंपैशन, आप में करुणा भाव है, पेशेंस है, आपका बहुत अच्छा कनेक्ट है लोगों के साथ, यू आर जेन्युइन पर्सन, इंटीग्रिटी है, तो आपके पास एक कैरेक्टर है, तो लोग कैरेक्टर को रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी बात है नॉलेज एंड विजडम की। अगर आपके पास नॉलेज है, विजडम है, तो आप लोगों का रिस्पेक्ट पा सकते हो। और तीसरा वेल्थ, अगर आपके पास वेल्थ भी है तो यू डेफिनेटली आर रिस्पेक्टेड। वेरी ट्रू, ये तीन प्रैक्टिकल बात है। यस, तो ये तीन चीजें अगर है हेल्थ के साथ तो आपके पास प्राइड और स्टेटस भी आए। सो इफ यू वांट प्राइड एंड स्टेटस इन लाइफ, आपके पास तीन चीजें लगेगी, कैरेक्टर होना चाहिए। सो बिल्ड अ कैरेक्टर दैट रियली डिजर्व सक्सेस, हैव नॉलेज एंड विजडम एंड हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, बिल्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ बनाओ। और मेरा एक मानना है कि पीपल कैन बी सेटिस्फाइड अबाउट देयर कैरेक्टर ऑल द टाइम, यू ऑलवेज बी सेटिस्फाइड कंटेंट, बट ये तो बाकी जो चीजें हैं नॉलेज विजडम एंड वेल्थ, इसके बारे में कभी भी कंटेंट या सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ ऑब्वियसली जब सोने जाएंगे, आंख बंद करेंगे, सोने के पहले थोड़े रिलैक्स हो जाओ, उसके बारे में वेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, एंड इफ यू हैव इनफ वेल्थ यू आर गोइंग टू हैव पीसफुल स्लीप। बट नॉलेज विजडम आई थिंक वी शुड बी सेटिस्फाइड ओनली एंड ओनली व्हेन वी टेक अवर लास्ट ब्रेथ, and at that time we should be kind of satisfied, oh yes I got good enough of knowledge and wisdom। to ye teen cheeze agar aapko pride aur status chahiye in life mein, teenon pe focus karo, build character, build knowledge and build wealth। so agar isse agar ye teenon cheeze aapke paas hai to aapko bharpoor pyar milega life mein, bahut 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 pyar milega, and that is the purpose of life। aur agar pyar milega to sehat bhi mast rahegi, stress nahi hoga, aur
डॉक्टर क्या, डॉक्टर जी क्या कहूं मैं, आप जब से जीवन में आए हो ना बहुत मजा आ रहा है ये सब ये सेशन हम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं अरे हमने हमारे रिलेटिव को बोला, मैंने भी अभी ये कोर्स ज्वाइन किया है, अभी अभी मेरा ऑफसाइट हुआ था, उसमें एक स्टूडेंट हमारी मेंटी है, शी इज अ मॉनिटर, शी इज अ एसी लीडर, तो उसने कहा सर मैंने भी अभी डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी का कोर्स चालू किया है। तो बोला यस गेट द वेल्थ हेल्थ बैक ऑन ट्रैक, वेल्थ और ये तो है ही बट आई थिंक दिस इज अ मोस्ट नेसेसरी कंडीशन। सो यस ऋषि जी, यस इंडीड, देखा डॉक्टर साहब आप में हमारे अवधूत सर आस्था में सिर्फ स्टॉक मार्केट और पैसा कमाना ही नहीं सिखाते हैं, लाइफ लेसंस भी सिखाते हैं और लोग हम कायल हैं और इनके क्या तारीफ करें, तारीफ अपने आप की करना फिजूल है डॉक्टर साहब, खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। यस सर, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, रोड मैप की हम बात कर रहे थे पिछली बार कि आप रोड मैप बताने वाले हैं, और एक मैंने चैट में देखा था कि एक व्यक्ति का ये सवाल था कि आप डायबिटीज रिवर्सल के लिए कोई टिप्स नहीं दे रहे हैं, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, वन हैज टू रीड बिटवीन द लाइंस, कितना कुछ बता रहे हैं आप दोनों, फिर भी उनका मन रखते हुए आज प्यार का दिन है, उनका दिल ना तोड़े, कुछ आप बता दें कि क्या हम करें रोड मैप की दृष्टि में। तो प्यार भरा रोड मैप आज सब कुछ प्यार भरा है, प्यार भरा, इजहार भरा, तो प्यार भरा रोड मैप सभी मधुमेहियों को, उनके परिवार वालों को, या जिनको नहीं लाना है ये क्या उसे कहते हैं तकलीफ दाई बीमारी उनके जीवन में, तो रोड मैप बहुत कई सालों में हमने धीरे धीरे जोड़ा है उसको, पांच पड़ाव होते हैं रोड मैप के, पांच पड़ाव में काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट आएगा, गहरा परिवर्तन आएगा आपके अंदर। पहले पड़ाव को हम कहते हैं कि थोड़ा एडजस्ट होने देना है खुद को रोड मैप में, पहला पड़ाव है एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का, क्योंकि अभी जो भी आपका खान पान रहता है, व्यायाम रहता है, उससे थोड़ा अलग कुछ करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो जो मिलता आया है वही मिलता रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है, तो आपको एजुकेट करना है, वो सब हमने पहले बता दिया, अभी रोड मैप बता रहे, तो पहले रोड मैप में आपको दो चार टिप्स, चार टिप्स में देता हूं एडजस्टमेंट फेज के, चार टिप्स जो सबको बहुत काम आएंगी। सबसे पहली बात, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए छोड़ के देखो, चाय कॉफी में जो भी आपको नारियल का दूध बादाम का दूध डालना है वो देख लीजिए, आपको पक्का इसका असर आएगा। इसके बहुत बड़ा शास्त्र है IGF मॉलिक्यूल, एज मॉलिक्यूल, वो आराम आराम से बाद में सीखते रहना, आके प्रोग्राम में देखना है तो दो ढाई घंटे में समझाएंगे, लेकिन टिप्स बता रहे हैं आपको रोड मैप के पहले पड़ाव के, दूध दूध के पदार्थ बंद। दूसरा, ग्रीन स्मूदी, स्टनिंग न्यूट्रिएंट डेंस ग्रीन स्मूदी, बड़ी टेस्टी होती है, वो शुरू कीजिए। इसलिए करना है दोनों चीजें ताकि एडजस्टमेंट के पड़ाव में आपका बॉडी अल्कलाइज हो, अल्कलाइन हो, क्योंकि एसिडिक बॉडी में इंसुलिन का प्रॉब्लम आता है, सूजन का प्रॉब्लम आता है और डायबिटीज बढ़ता है, और डायबिटीज ही नहीं बीपी कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ता है। तो ये दो चीजें डाइट पे करो आप, दूध दूध के पदार्थ बंद करो और स्मूदी चालू कीजिए। स्मूदी कैसे बनानी है यूट्यूब पे जाइए, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज ग्रीन स्मूदी, आपको पूरा रेसिपी आ जाएगा। व्यायाम पे दो चीजें करें आप, दो टिप्स दे रहे हैं आपको, एक तो अगर वॉकिंग कर रहे हो आप 45 मिनट्स, उसको 20 मिनट्स कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में कि ज्यादा चलने से डायबिटीज रिवर्स होता है, रिवर्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता है, रिवर्स नहीं होता है। रिवर्सल तभी होगा जब आपके खून का संचार जो है पूरे शरीर में, वो सिर्फ पैरों में से हृदय की ओर ना आए, बल्कि पूरे शरीर में से जहां जहां जकड़ा हुआ है वो हृदय में आए। हमारे पूरे शरीर में 10% खून जकड़ा हुआ रहता है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में, लिम्फ बोलते हैं इसे, और जकड़ा हुआ खून जकड़े हुए पानी की तरह होता है, जहां जकड़ के पानी अगर जम जाए तो उसके अंदर गंद और मच्छर और प्लास्टिक और सब कीड़े मकोड़े जमा होने लग जाते हैं। वैसे पूरे शरीर में अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ले लेंगे, उसका व्यायाम शून्य होगा जब आप चलेंगे, शून्य रीढ़ की हड्डी का व्यायाम, इसलिए आपके रीढ़ की हड्डी का व्यायाम करना जरूरी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के आसपास जो जकड़ा हुआ खून है, वह फैट बहुत है, मसल है, वहां से हिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है व्यायाम में, तो एक है वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप,
कीजिए आप, कम से कम 17-18 लाख लोगों ने वीडियो देखा है। एफएफडी का वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप रगड़ना है, जॉइंट प्ले, शेकिंग और टैपिंग, बहुत मजा आता है। पूरे शरीर का खून का संचार होने लग जाता है, बॉडी अल्कलाइन होने लग जाएगा, लंबी लंबी सांस ले लेके काम कर करके। ओके, लंबी सांस बहुत जरूरी है, सब लोग लंबी सांस ले ले एक बार। इससे जो नेगेटिव प्रेशर होगा, इससे झगड़ा हुआ खून वापस हृदय की ओर आने वाला है, छोड़ दें। तो वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप कीजिए और कुर्सी का सूर्य नमस्कार कीजिए। अगर सीधा खड़े रह के आप नहीं कर पाए तो चेयर सूर्य नमस्कार, ये चार टिप्स आपको पहले पड़ाव के लिए है। दूसरा प्यार भरा रोड मैप उसके आगे जाएगा, उसमें कुछ कुछ उपवास रहेंगे और योगाभ्यास रहेगा। रोड मैप के तीसरे पड़ाव में आंतरिक परिवर्तन पे काम करेंगे, जिसमें जो भी पुरानी यादें हैं बचपन की, टीनेज की, लेट और मिडिल एडल्टहुड की, जो बुरी आदतें उनकी साफ सफाई रहती है, पॉजिटिव यादों का संचार का उसको बोलते हैं थोड़ा संवर्धन होता है, ध्यान होते हैं अलग अलग, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का पड़ाव होता है। एडजस्ट करो, थोड़ा एक्सेलरेट करो उपवास और योगाभ्यास से, फिर थोड़ा आंतरिक परिवर्तन लाना शुरू करो। फिर जैसे आपका वजन कम हो जाए, काफी 80% लोगों को वजन कम करना पड़ता है, मोटी गाय से दुबली गाय जब हो जाएंगे तब तगड़ा घोड़ा बनना है आपको चौथे पड़ाव से, जिसका नाम है एथलीट बनना। इसमें साइक्लिस्ट, रनर, स्विमर, जिमर, योगी, ऐसे अलग अलग आयामों में आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेंगे, जो आपको पसंद है, जो आपकी उम्र के लिए सही है, एक्सरसाइज एक्सपर्ट के साथ जुड़ के धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और ये तो चौथा पड़ाव एथलीट बनने का, ओलंपिक्स में नहीं जाना है हमें, बस हमारी उम्र के हिसाब से जो भी हमको थोड़ा डबल ट्रिपल चौबल 10 बार 10 गुना हमारा एथलेटिक आइडेंटिटी होना चाहिए, वो करना है। और लास्ट पड़ाव है इंडिपेंडेंट बनना। तो 5 पड़ाव में काम करेंगे, यही रोड मैप है जो 11,700 लोगों को अब तक वैलेंटाइन डे के दिन मुक्त कर चुका है। एडजस्ट करो पहले, फिर थोड़ा एक्सलरेट, फिर थोड़ा आंतरिक परिवर्तन, फिर एथलीट बनो, फिर इंडिपेंडेंट बनो। बड़ा प्यार भरा संदेश सभी के लिए, खूब फायदा उठाएं इसका। वंडरफुल। और बहनों और भाइयों, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों, मुश्किल मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। लेकिन अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी आपके लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं। क्या बात है। आप सिर्फ कोशिश करें, लगे रहें और आपको कामयाबी मिलेगी। अब्दुल सर, कईयों को कामयाबी दिलाई है आपने आपके ये 3 दशक के अनुभव से, और रोड मैप आप बताएं क्या होना चाहिए आज इस वैलेंटाइन डे में। प्यार भरा रोड मैप, प्यार भरा रोड मैप। देखो, आपका लक्ष्य है एक मास्टर बनना, मास्टरी पाना वेल्थ बिल्डिंग के लिए, मतलब फिनेंशियल मार्केट्स का अगर आपको चैंपियन बनना है, मार्केट का चैंपियन बनना है और बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है और बाद में देनी है, कहाँ लेके जाना है, कुछ बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ कर सकते हैं, भारत को फिनेंशियल इंडिपेंडेंस देने में हाथ जुटाना है। और 2047 विल बी कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट डॉक्टर जी? तो हमारे पास 25 साल है और आस्था वाले सारे एक मिशन पे लगे हुए, 2001 अगले 10 साल में 1,00,000 सक्सेस स्टोरीज के, और वैसी एक आर्मी जो बने और अल्टीमेटली ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को कॉन्कर कर। और आने वाले 25 साल में हमें एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिपब्लिक चाहिए, नो? सो अगर 2047, यस, आई एम गोइंग टू बी अलाइव, वी ऑल आर गोइंग टू बी अलाइव एंड किकिंग, एंड वी वॉन्ट टू सी अ भारत देश विच इज एब्सोल्युटली प्रॉस्परस नेशन, जैसे सोने की चिड़िया कहलाता ना वैसे ही। अरे वो मेरे भी दिमाग में अब भी इस समय सेम आया, सोने की चिड़िया, एकदम सेम टाइम पे आप बोले। एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारे शायद कनेक्शन है, यू नो, सोल लेवल कनेक्शन है शायद, यू नो, कुछ करने के लिए आए हैं 25 साल। इस 25 साल में भारत देश को हेल्दी और वेल्दी बनाना है। Yes, yes, yes. तो इसके लिए क्या करना होगा आपको मास्टर बनने के लिए? पहले देयर इज लॉट ऑफ इग्नोरेंस, बहुत इग्नोरेंस है, तो पहले अपने आपको लिटरेट करो, ज्ञान पालो, नॉलेज और विजडम, नॉलेज पालो और धीरे धीरे विजडम आएगा। जब नॉलेज एक्चुअली बिकम्स पार्ट ऑफ योर डीएनए, पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, देन इट बिकम्स अ विजडम। और जब आप ये नॉलेज एक्चुअली अप्लाई करना शुरू करते हो मार्केट में, तभी आपको अपने इमोशनल चैलेंजेस का सामना करना होगा। यू नो, लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो मैं जॉब छोड़ देता हूँ, ये शुरू कर देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ जॉब नहीं छोड़ना है,
जॉब करते करते आप पहले सीख लो, नॉलेज पालो। कोविड आने के बाद लोग सब मार्केट में आ गए। आई थिंक यू शुड प्रिपेयर यूर सेल्फ बिफोर यू नो वेन वाइल यू आर डूइंग गुड। आप अच्छा कर रहे हो तभी आप ये नॉलेज ले लो, एक पैसिव इनकम जनरेशन का सोर्स क्रिएट कर लो, जस्ट क्रिएट अ पैसिव इनकम जनरेशन एंड सीख लो पहले, अपने आप को लिटरेट बनाओ। दूसरी स्टेज होगी आपकी एक्सपर्टीज की, यू नो यू बिकम एन एक्सपर्ट। जैसे सचिन तेंदुलकर है, यू नो हमारे विराट कोहली है, जितने भी चैंपियंस हैं उनके बीच उसके पहले एक लेवल हो जाती है एक्सपर्ट्स की। तो आपको आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इस फील्ड, नॉलेज लेने के बाद आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसके लिए समय लग सकता है और वो एक्सपर्टीज की लेवल आपके लिए शायद 3 साल या 1000 दिन की हो सकती है। और अगर आप प्रॉपर एनवायरनमेंट में हो, एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम के अंडर हो और एक्टिव हो, ओके, तो आप एक चैंपियन बन सकते हो। और चैंपियन बनने के बाद आप 1 साल में जो कमा सकते हो ना, वो 1 दिन में भी कमा सकते हो फिनेंशियल मार्केट्स। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, किया है मैंने। तो मैं इनको कहता हूं कि आपको सबसे पहला फोकस करना होगा आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे। आपका कैपिटल क्या है, जो मैंने पहले सेमिनार में भी कहा था, पहले सेशन में, इस साल के लिए आप 33% कैपिटल, आपका जो भी इन्वेस्टेबल कैपिटल है उसका 33% वो आपने ले लिया। आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, एक और एक स्टेप बताऊंगा, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करते हेल्थ के लिए, ओके, वैसे ही आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपके पैसे को खा रहे हैं, सो उनको पहले निकाल दो। गेट रिड ऑफ द वीड्स फ्रॉम योर फार्म, उनको पहले निकाल दो। और उनको समझना है, अगर सिंपल तरीका होता है कौन से अच्छे स्टॉक है कौन से बुरे स्टॉक है, वो अगर करना है, हमारे स्टूडेंट्स को तो पता है हाउ टू आइडेंटिफाई गुड और बैड स्टॉक्स। लेकिन अगर अगर आपको पता नहीं है तो जरूर हमारा आई ओपनर अटेंड कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा अगर विच इज अ गुड स्टॉक विच इज अ बैड स्टॉक, एंड देन यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू गेट रिड ऑफ द वीड्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। चैंपियन बनने के बाद आपको ये सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो गेट आउट ऑफ योर इग्नोरेंस, बी लिटरेट, गेट टू एन एक्सपर्टीज लेवल एंड देन बिकम अ मास्टर। ओके, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना। डू नॉट इन्वेस्ट विदाउट अ स्टडी, डोंट फॉल फॉर एनी टिप्स, डोंट फॉल फॉर एनी एप्स, जो हमने बताया लास्ट टाइम कि यू नो क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि लोग शॉर्टकट देखते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो शॉर्टकट तरीका छोड़ दो, स्टडी करके ही करना पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट, अपनी लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को समझो, उस कैपेसिटी के बाहर मत जाना। ओके, आपका शरीर एक इंजन है जो खाता है, एक प्रोसेस होती है, हम खाते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता, इट्स पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रोसेस। ओके, वैसे ही आपको एक ट्रेडिंग की प्रोसेस बनानी होगी जो यहां चलेगी। उस प्रोसेस में क्या होगा, पहले आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी, पहले ढूंढो कहां अपॉर्चुनिटी है, एंड देन वंस यू आइडेंटिफाई दैट अपॉर्चुनिटी, यू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड देन यू एग्जीक्यूट। मीनिंग बाय करना है या सेल करना है, तेजी हो या मंदी, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है, एंड देन कम्स एग्जीक्यूशन। बट बहुत सारी स्टेप्स लोग मिस कर जाते हैं, वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपने जो भी किया उसे जो भी सीखा उसको डॉक्यूमेंट करो, एनालिसिस करो, डॉक्यूमेंट करो, और उसका बाद में रिव्यू करो, और रिव्यू करके उसका एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए हमारे अंदर, जिससे हमारा इंजन और क्लियर होता जाए, रिफाइन होता जाए। सो एक ही कहूंगा, प्यार भरा मेरा संदेश होगा इस वैलेंटाइन डे पे, फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड क्रिएट अ इंजन, जस्ट लाइक योर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्रिएट अ इंजन फॉर ट्रेडिंग, यू नो, विच कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, टेक सम इनपुट्स एंड देन गिव अ प्रॉपर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, वेल्थ बिल्डिंग। और धीरे धीरे करो, छोटे कैपिटल से कुछ बड़ा करने मत जाना। यू नो 5-10% ROI पर मंथ इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर एक्सपर्ट्स। अगर आप मास्टर बनोगे तो यही 5% पर वीक भी कर सकते हो। सो यही कहूंगा ऋषि जी, फॉल इन लव विद द प्रोसेस। या बैनर भाइयों, आस्था में लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, महीने दर महीने आते हैं, और FFD में भी लोग आते हैं, महीने दर महीने हजारों लोग आते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बनाई है, एक प्रोसेस बनाया है जो आपको कामयाबी दिलाती है। और एक आज हेल्थ का रोड मैप, यस प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ कहना है आपको?
बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है ऋषिकेश जी, आपका उदो जी और सुंदर को बहुत मजा आएगा सुनने के लिए। आप जब बता रहे थे ना तीन स्टेजेस, बिगिनर, एक्सपर्ट और फिर चैंपियन, तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था और वो कनेक्टेड है मेडिटेशन से और वो कनेक्टेड है सेंट वैलेंटाइन से। ऐसा कहते हैं कि वैलेंटाइन भी कोई सेंट थे, कोई अच्छे योगी थे, ऐसा कहते हैं। अभी पता नहीं, मैंने पूरा डिटेल देखा नहीं है, लेकिन ध्यान में तीन लेवल्स बताए गए हैं और उसके ऊपर रिसर्च है। डॉक्टर डैनियल गोलमैन का बहुत बढ़िया वीडियो भी है इसके ऊपर, चाहे तो उसका लिंक भी शेयर कर देंगे सबको, बहुत फायदा हुआ उसका। जिसने 100 घंटा ध्यान किया है उसको बिगनर कहते हैं, जिसने 1000 घंटा ध्यान किया, आप बोल रहे थे ना तीन साल 1000 दिन, एकदम बिल्कुल स्ट्राइक हुआ वो, जिसने 1000 घंटा ध्यान किया है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट, आपका एक्सपर्ट, और जिसने 10,000 घंटे ध्यान किया है जो योगी होता है उसको चैंपियन कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज लव के बारे में जो बात करनी है, जो कनेक्टेड है यहां पर, है कि कंपैशन मेडिटेशन, प्यार इज नॉट ओनली फिजिकल लव, नॉट ओनली लस्ट एंड नॉट ओनली अट्रैक्शन लव, प्यार इज अबाउट गिविंग एंड लविंग फ्रेंडलीनेस टू एवरीवन। तो कंपैशन मेडिटेशन में जब चैंपियन उतरता है और वो कंपैशन मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर गामा वेव आती है ब्रेन में से। गामा वेव कई लोगों को मालूम नहीं होगा, गामा वेव कुछ क्षणों को ही हमको कभी कभी मिलती है। यूरेका मोमेंट होता है तभी, आपको कुछ इंटेंसली टेस्टी कुछ खा लिया, कुछ बहुत ज्यादा सेंसुअल एक्सपीरियंस है, तब हल्की सी गामा वेव आती है ब्रेन में से। वरना नॉर्मली हम बीटा वेव में रहते हैं या फिर थोड़े शांत हो गए तो अल्फा स्टेट में चले जाता है। तो गामा वेव उनकी जो कंटिन्यूस रहती है, एक तो चैंपियन जो रहता है ना उसका कंटिन्यूस गामा वेव, और जब ध्यान में प्यार जताता है, वो प्यार लाता है उसके दिल में, तो वो गामा वेव 8 गुना बढ़ती है, 8 times more, और उससे बहुत ताकत उसके अंदर निर्माण होती है और सब तक फैलती है। तो ये आप जब बोल रहे थे ना बिगिनर और एक्सपर्ट और चैंपियन, तब मेरे दिमाग में बस ये थोड़ा रिसर्च आया डॉक्टर गेनल गोलमैन का। अच्छा दिन है, कंपैशन का दिन है, प्यार का दिन है, सब लोग खूब खुशियां मनाए और खूब प्यार बनाए और बांटे, जो बांटेंगे ना वही मिलेगा। मैंने तो वही सीखा है, मनी का प्रिंसिपल जो मैंने सीखा था छोटा सा, वो ये था कि बस बांटो तो अपने आप आएगा, प्यार बांटो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट बांटो रिस्पेक्ट मिलेगा, एंगर बांटो एंगर भी मिलेगा। तो आज तो प्यार का दिन है, बहुत खूब से आप बहुत अच्छा प्यार बांटे और खूब खुशियां मनाए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। तो प्यार करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, फ्रेंड से करो, सबसे करो, प्राणी मात्र से करो, सबसे करो, इवन ट्रीज से करो, सबसे प्यार करो, लेकिन स्टॉक्स से मत करो, दोस्तों। डॉक्टर साहब और अवधूत सर हेल्थ और वेल्थ के सितारे हर दम हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे, और ये बात बिल्कुल सच है बहन और भाइयों, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। वाह दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हेल्थ के लिए डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी और वेल्थ के लिए अवधूत सर को सदा के लिए अपना बना लें। हमारे आसपास कोई भी ना तन से बीमार हो ना धन से गरीब, इन दोनों का हाथ थाम लो, बदल जाएगा नसीब। डॉक्टर साहब अवधूत सर, एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। हेल्थ को ना आज इस प्लेटफॉर्म पर वेल्थ से प्यार हो गया और वेल्थ को भी हेल्थ से प्यार हो गया। और यू नो वेल्थ ने कहा, मेरे नाम के साथ तुम्हारे नाम का सहारा चाहिए, मेरे नाम के साथ तुम्हारे नाम का सहारा चाहिए, समझ गए ना तुम, या कुछ और इशारा चाहिए। लिख दूं तो लफ्ज तुम हो, सोच लूं तो ख्याल तुम हो, मांग लूं तो मन्नत तुम हो, और चाह लूं तो मेरे लिए सारी कायनात तुम हो। क्या बात है। और यहां पर हेल्थ ने वेल्थ को बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब्दुल सर, हेल्थ ने वेल्थ को जवाब दिया, नहीं है अब कोई भी जुस्तजू इस दिल में तुम्हारे सिवा, मेरी पहली और आखिरी आरजू बस तुम हो, तुम ही तुम हो। हेल्थ और वेल्थ का ये सुनहरा प्यार भरा संगम। ऋषिकेश की जी का भी प्यार भरा संदेश बहुत सबको याद रहेगा। बहुत बढ़िया जी।
थैंक यू सो मच. सुपर डुपर, यस, सुपर से भी ऊपर कह सकते हैं. इट वॉज अ वंडरफुल शो. थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन वेरी सून. गुड बाय. गुड बाय. थैंक यू सो मच. गुड बाय. गुड बाय.